सब्सक्राइब कीजिए सोमा इलेक्ट्रिक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है फिर से। आज का हमारा वीडियो हो रहेगा कंप्रेसर में ऑयल कैसे चेंज करना है, और हम आपको बताएंगे कंप्रेसर में ऑयल कैसे चेंज होता है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन पाइप भी काटना पड़ेगा और ये भी काटना पड़ेगा। चार्जिंग दोनों में एयर का फ्लो रहना चाहिए। अगर आप यहाँ से कंप्रेसर टेढ़ा करोगे तो यहाँ से एयर जाना चाहिए इसके लिए, तो तभी आपका ऑयल बाहर निकलेगा। तो दोनों खुले होने चाहिए। तो आप पुराना ऑयल कैसे बाहर निकालोगे और उसमें कितना ऑयल है कैसा आपको मालूम पड़ेगा। तो आप ऐसा कोई सफ़ेद डब्बा ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल का कोई भी, इसमें पहले ऑयल निकाल लीजिए। इसमें कितना ऑयल है आप इसमें नाप सकते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए अभी ऑयल निकालते हैं, मैं भी इसे टेढ़ा करूँगा। तो इसमें ऑयल है, ठीक है, मार्किंग कर दिया हमने मार्कर पेन से। अब हम क्या करेंगे, पुराना ऑयल किसी चीज़ में कंटेनर में डाल देंगे। अब फिर हमें नया ऑयल ये मार्किंग तक डालना है, थोड़ा बढ़ के रखेंगे 10-15 ml। तभी क्या होता है, कंप्रेसर चलता है ना तो सिस्टम में रहता है थोड़ा बहुत ऑयल, थोड़ा बढ़ के डालने से कुछ नहीं होगा। तो बताता हूँ आपको कैसे डालते हैं तरीका इसके। तो मैंने ये बॉटल का जो कट किया हुआ है इसे मैंने अच्छी तरह साफ कर दिया है, और इसमें मैं ये ऑयल डालूँगा 134 सनजॉल कंपनी का है, 134 ये के लिए है, ठीक है। ये ऑयल 1 लीटर का है, इतना नहीं डालेंगे, ठीक है। चलिए बोलता हूँ इसमें डालूंगा मैं, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑयल है। ये जो हमने निकाला तो जल जल के वो पीला हो गया था, ठीक है। मार्किंग तक आ गया, थोड़ा भर के रखेंगे तो बॉटल पे भी लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा बढ़ के रखा है मैंने 10-20 ml, दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसे कंप्रेसर में डालते हैं, तो इसकी विधि बताएंगे आपको। कंप्रेसर को थोड़ा उठाइए, उसके नीचे कुछ स्लोप दीजिए इस तरह से, और आप इस तरह का इंजेक्शन भी ले सकते हैं, बड़ा छोटा जो अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे इंजेक्शन से खींच के इसमें पूरा ऐसा खींचेंगे। खींचने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा इंजेक्शन है, कम से कम है ये 60 ml का इंजेक्शन। तो मैं नीचे इसमें पकड़ लूँगा ऐसा, और डायरेक्ट इसमें डालूँगा मैं, और मैं खींचते रहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा एयर गैप के छोड़ेंगे, ठीक है। इसमें डालूंगा मैं, इसमें तो 60 ml चले गया इसमें। फिर इसे बाहर निकालेंगे, फिर इसमें डालेंगे 60 ml, फिर डालेंगे इसमें। नापने से क्या मेजरमेंट मालूम पड़ जाएगा आपको कितना इसमें जा रहा है, ठीक है। इसे ऐसे करना है, पुश करना है सिर्फ, बस 60 120 ml चले गए हैं। आपको नीचे होल्ड करना पड़ेगा, ये प्लस 30 है, तो 150 ml के करीब आया है।
तो ये तरीका है ऑयल डालने का। अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं मैं क्या करूंगा। ये ऑयल फिर रिवर्स इसमें डालूंगा। ये ऑयल पीला हो गया अंदर जाने के बाद, थोड़ा मुझे कचरा भी नज़र आ रहा है इसमें, तो मैं क्या करूँगा ये ऑयल यूज़ नहीं करूँगा। इसे फिर मैं रिवर्स हमारा जो कंटेनर में डाल दूँगा बॉटल में, मैं फिर फ्रेश ऑयल यूज़ करूँगा और कचरा भी था इसमें। ठीक है, तो आप इस तरह से कंप्रेसर भी क्लीन कर सकते हैं अंदर ऑयल डाल के, एक बार इसे निकाल दीजिए फिर दूसरा फ्रेश ऑयल डालिए। मार्किंग तक डालूंगा, हो गया मार्किंग तक। अब मैं एक पाइप लूंगा ऐसा, ये पाइप आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये वाटर लेवल का पाइप है। तो मैं क्या करूंगा इसमें टाइट करूंगा, ये सेक्शन है, और इसमें डुबाऊंगा तेल में। ठीक है, और कंप्रेसर स्टार्ट करूँगा। जैसे कंप्रेसर स्टार्ट होगा ना तो ये एयर खींचेगा, एयर खींचते समय ये ऑयल साथ में खींचेगा। उसके लिए आपको ये जहाँ से गैस डालते हैं ना उसे आपको बंद करना पड़ेगा, अगर ये खुला रहेगा तो यहाँ से भी एयर ले लेगा तो आपका ऑयल अंदर नहीं जाएगा। चलिए मैं कस्टमर कंप्रेसर स्टार्ट करता हूँ, शुरू हो गया है, ये मैं बंद करूँगा। ये देखिए ऑयल खींचना शुरू कर दिया है, बैक मार रहा है, थोड़ी देर रुक के रखिए। इसे डिस्चार्ज में से ऑयल फेंक रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। ये तरीका थोड़ा वो है, बहुत गंदा कर देगा आपका वर्क प्लेस। इंजेक्शन का तरीका बहुत अच्छा है। फिर से मैं चालू करूँगा, ये बच्चा कुछ ऑयल खींचता हूँ, खींच लिया है। पूरा पूरा आ गया है, कपड़ा रख लीजिए फिर, अब बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरीके थे ऑयल डालने का। मेरे हिसाब से तो इंजेक्शन से जो डालोगे ना वो तरीका बहुत बढ़िया है। अगर आप कंप्रेसर स्टार्ट करके ऑयल यहाँ से खींचोगे तो सब यहाँ से बाहर फेंकने लगेगा, वो तो ये है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपने देखा होगा कैसा ऑयल डाला है, तो आप इसी से डालिए, बहुत बेहतरीन तरीका है ऑयल डालने का। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।